स्वागत है आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली जा रही है। नेता डिसूजा मैम हमारे साथ हैं। मैम बताइए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसको लेकर आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही हैं आज लगातार। अगर राहुल जी संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो वहां भी रोका जा रहा है, आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा यहां पे भी रोका जा रहा है, क्या लगता है कि देश में एक तरीके से तानाशाही पैदा की हो रही है? हम लोग कल रात को थोड़े होर्डिंग्स क्या लगा रहे थे दिल्ली में, पुलिस ने हमारे गाड़ियां जब्त कर ली, उसको थाने में बंद कर दिया, जितने होर्डिंग्स लगे थे पूरे होर्डिंग्स को तोड़ मोड़ के निकाल दिया, महिलाओं को यहाँ पे आने नहीं दे रहे, बॉर्डर्स पे बसेस रोका गया है। और ये तो बिल्कुल ना सदन के अंदर चुने हुए जो प्रतिनिधि है देश के, राहुल गांधी जी जैसे जो सांसद है जो देश की आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे उनको नहीं बोलते होते और बाहर जनता की आवाज भी दबाया जा रहा है। क्या लगता है मोदी जी इतना घबरा क्यों गए हैं? अडानी मामले में जवाब देना नहीं चाहते? अगर जनता, आप लोग तो शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांति तरीके से। एक और सवाल खड़ा होता है कि आप लोग इतने दिनों से जीपीसी की मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं हुई, सरकार उस पर एकदम भी ध्यान नहीं दे रही है ना जवाब दे रही है। राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई, उसके ठीक दिन बाद उनका आवास खाली कराने के लिए उनको नोटिस दे दिया गया, इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखा रही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जो है गांधी परिवार का इतना अपमान किया, लगातार नेहरू जी को वो हर मामले में ले आते, उन पर किसी प्रकार की जो है कार्रवाई की बात नहीं होती है। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति जो इतनी लंबी यात्रा जिसने निकाली, जो सड़कों पर उतरा, जिसने जनता के मुद्दों को उठाए, अगर वो सदन में कोई जनता का सवाल पूछ रहा है तो उस पे आप किसी भी मामले में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो महिला कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तमाम संख्या में जो महिलाएं हैं वो जो है देश के कोने कोने से आई हुई हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक तरफ ये मंच जो है आप देख सकते हैं सजकर तैयार हो चुका है, जनतंत्र जो है जनतंत्र बचाओ रैली आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये पोस्टर है जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मंच पर पहुंच चुकी है, कार्यक्रम जो है वो अब शुरू होने की ओर है। इधर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो है अलग अलग देश के राज्यों से महिलाएं आई हुई हैं, इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। पहले आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, तमाम महिलाएं यहां पर जो है वो आई हुई हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम जो है सुरक्षा के लिहाज से जो तमाम महिला पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात की गई हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर तमाम जो है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर बैठी हुई हैं, जनतंत्र को बचाना है, मोडानी नेक्सस को हराना है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तो संसद के बाहर भी जनता करे पुकार, जेपी से क्यों भाग रही मोदी सरकार, तो इस तरह के मेरा सभी बहनों से ये भी विनती है कि जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो आप। तो इधर आपको मैं मंच की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, मंच पर आप देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठी हुई है, उनके साथ जो तमाम महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो आपको मंच पर दिखाई देंगी। और लगातार आज जो है जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का और जिस तरह से काम कर रही है उसको लेकर जो है महिलाएं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई हैं, हाथों में पोस्टर बैनर आपको सभी महिलाओं के हाथों में दिखाई देंगे और महिलाओं से बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? शमीना शफीक जी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो आए और आज जनतंत्र के पक्ष में कुछ शब्द यहाँ पे कहें और हम सबको संबोधित करें। और हम यहाँ उसके लिए आए हैं, तो गुजरात से है और हमको पता है। हाँ हाँ, बोले बोले। हाँ, ये सब झूठ है और उसका इतना वो हिटलर सा ये चल रहा है ना कि गुजरात में आज राहुल जी आए हैं सूरत में और हम उसके लिए गुजरात से आए हैं, मोदी जी लगातार राहुल जी की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, अमित शाह कलकत्ता से जी के आह्वान पर मचा रखी है, उनको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ अडानी अडानी नजर आता है। लोकतंत्र को, जनतंत्र को बचाने के लिए कवायद के चलते हम सब महिला कांग्रेस उनकी सदस्यता खत्म हो गई, देश के विभिन्न कोनों से आए महिला कांग्रेस की नेतागण, कार्यकर्तागण और जितने भी
कि पदाधिकारी मोदी को हटाओ, बस हमारा एक ही नारा है जनतंत्र बचाओ मोदी को हटाओ। आप क्या कहेंगे? विभिन्न प्रदेशों के महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और आज हमारी साथी उसके घर का महिला कांग्रेस की नेशनल और यहाँ पर मीडिया कर्मी के जितने बंधु भाई हैं, आप सबको एक बार मेरा नमस्कार। तो यही तो सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी डर गए हैं। अगर उनके पार्टी के नेता कुछ भी करें तो वो दूध के धुले हुए हैं, और अगर विपक्ष का नेता कुछ भी करे तो वो गलत कर रहा है। और हम अपने दिल की आवाज यहाँ कहने आए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री के बच्चे की बात कहता है उसको क्यों नहीं, जनतंत्र की ना बात सुनता है ना जनतंत्र की बात रखता है। तो जनतंत्र बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे हम। ये बताइए, आप गुजरात से हैं, गुजरात के ही एक नेता ने जो है राहुल जी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया था। क्या लगता है कि अगर मोदी जी कांग्रेस के नेताओं के बारे में कुछ भी बोल दें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठाएं? जितने भी पदाधिकारी गए हैं और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री जी को गए हैं, इस तरह से जेपीसी की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, केसी वेणुगोपाल जी के, अभी राहुल जी के घर खाली करने के लिए भी नोटिस दे दिया गया है। खाली कराएंगे, इनका राज है। लोग देश की जनता कह रही है कि राहुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये जांच उनके खिलाफ हो रही है, क्योंकि अगर जांच एक व्यापारी के खिलाफ करने की बात हुई जा रही है, अगर जांच एक बात के लिए आवाज उठाई जा रही है कि 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखिए, महिलाओं का गुस्सा आपको भी नजर आ रहा होगा, तमाम महिलाएं जो है देश के कोने कोने से यहाँ पर आई हैं, बैठी हुई हैं, तमाम महिलाएं हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? आप लोग जो है अडानी पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही हैं, क्या कहेंगी आप? जेपीसी की अडानी पर ना बिठाकर खुद भारतीय जनता पार्टी पर बिठाने की मांग की जा रही है। अरे लानत है ऐसी सोच पर, जहाँ पर देशवासियों की आवाज उठाने वाले हम सबके दिलों के नेता, जनप्रिय नेता, इस देश के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो केरला को लोकसभा में प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जिस तरह से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को, लोकसभा की सदस्यता को निरस्त किया गया, और किस बात पर निरस्त किया गया? इस बात पर कि उन्होंने भाषण में एक ऐसे व्यक्ति या ये कहते कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के पैसे को चोरी करके देश से भाग गए, चाहे वो ललित मोदी हो चाहे वो नीरव मोदी हो, उनके खिलाफ अगर आवाज उठा, राहुल जी की आवाज को भी खाली करने का नोटिस जो है दिया गया, क्या कहेंगे? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को निरस्त करने का काम किया, ये भूल गए कि आप एक व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता को नहीं निरस्त करते हो, कर रहे हो आप असल में भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हो। देश की जनता, खास तौर से अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो वायनाड की जनता ने चुनकर अपने नेता को, आप यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं और सभी के हाथों में लोकतंत्र बचाओ लेकर जो तख्तियां हैं वो आपको नजर आएंगी, और चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिल, तमाम अलग अलग राज्यों से भी जो महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी आई हुई हैं। आपसे बात करना चाहूंगा, आपके हाथ में है तख्ती, लोकतंत्र को बचाना है, मोडानी नेक्सस को हराना है, क्या लग रहा है जिस तरह से ये जो अडानी जी का जो मामला है उस पर राहुल जी सवाल करते हैं मोदी जी से, लेकिन मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, महंगाई बढ़ रही है उस पर चुप्पी साध रखी है, क्या लग रहा है कि मोदी जी क्यों चुप है, उनके पास जवाब नहीं है? क्यों डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या वजह है कि वो इतने डर रहे कि हमारे नेता का घर तक खाली कराने की कवायद शुरू करा दी? अरे जिस नेता के परिवार में आनंद भवन जैसे एक महल को, देश को समर्पित कर दिया हो, नेता का घर तक खाली कराने का काम किया है, आज देश की प्रत्येक व्यक्ति, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता का घर आदरणीय राहुल गांधी जी का घर है, वो हम सबके दिल में बसते हैं, हम सबके मन
ध्यान में रखते हैं देश की जनता के दिल में रखते हैं और देश के लोकतंत्र पर रखते हैं, तो उससे यही बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि पहले आज हम सब यहाँ आए हैं अपनी आवाज उठाने, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए राहुल जी जनता के मुद्दों की आवाज उठाते हैं, उनको संसद जो है बाहर कर दिया गया संसद से, अब उनके घर को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है, और अगर इसके विरोध में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है आम जनता अगर सड़कों पर उतर रही है तो सरकार के द्वारा पुलिस लगाई जा रही है, प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि ना तो राहुल गांधी झुके हैं ना झुकेंगे, लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, और जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो तमाम आम कार्यकर्ता हैं, वो जनता के मुद्दों की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, सरकार कुछ भी कर ले लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी, और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो अडानी जी हैं उन पर जो सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है उसका जवाब आज नहीं तो कल हर हाल में देना ही होगा।